हेलो एवरीवन। तो गाइस अभी कुछ महीने पहले ही स्मार्टफोन कंपनीज 48 मेगापिक्सल के साथ मार्केट में उतरी थी। इवन अभी भी बहुत सारे फ़ोन ऐसे हैं जिनमें आपको 48 मेगापिक्सल का सपोर्ट नहीं देखने को मिलता है, लेकिन ऐसे में भाई शाओमी ने एक तरीके से बवाल समझा दिया है। वो बवाल ये है कि भाई अब शाओमी जो है 64 मेगापिक्सल के साथ बहुत ही जल्दी आने वाला है, और ये जो कैमरा सेटअप होगा वो आपको रेडमी फ़ोन्स में देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ 108 मेगापिक्सल का भी जो है आपको कैमरा देखने को मिलेगा, और ये जो कैमरा होगा वो एमआई के फ़ोन में होगा। इन दोनों में जो है सेंसर यूज हुआ है वो सैमसंग के सेंसर ही यूज हुआ है, और ये जो सेंसर है वो काफी ज्यादा कमाल का है, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। उसके साथ साथ ये बताऊंगा कि भाई ये इंडिया में कब आएगा, मतलब लाइक आपको कब 64 मेगापिक्सल वाला फोन देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ कौन से फोन में जो है ये आपको देखने को मिलेगा, इन सब के बारे में जो है मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को अच्छे से देखते रहिए, और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। तो गाइस बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है नमन, आप देख रहे हैं techpressgadgets.com। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज मैं आप लोगों को बिल्कुल शुरुआत से बता देता हूँ कि किस तरीके से 64 मेगापिक्सल और 108 मेगापिक्सल की कहानी की शुरुआत हुई। तो गाइज शाओमी जो है कैमरा सेगमेंट में बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, और अराउंड 2 साल पहले ही शाओमी ने एक डेडिकेटेड टीम बना दी थी जो कि सिर्फ और सिर्फ कैमरा सेगमेंट के लिए काम करती थी, जिसमें वो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हार्डवेयर, उसके साथ साथ जो सेंसर होते हैं उन पर जो है बिल्कुल काम कर रही थी। उसी के कारण जो है आज 64 मेगापिक्सल और 108 मेगापिक्सल का शोकेस जो है शाओमी की तरफ से हुआ है। तो गाइस शाओमी की तरफ से बीजिंग में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जिसका नाम था शाओमी इमेज फ्यूचर टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन। आई नो काफ़ी बड़ा नाम है, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में शाओमी ने जो है अपने 64 मेगापिक्सल वाले कैमरे के इंपॉर्टेंट फीचर्स को हाईलाइट किया, शोकेस किया कि भाई किस तरीके के फीचर्स जो है हमें 64 मेगापिक्सल देगा, उसके साथ साथ क्या अपग्रेडेशन के साथ ये आएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं, जो 64 मेगापिक्सल वाला कैमरा है वो सैमसंग की तरफ से सैमसंग ISO सेल GW1 सेंसर है, और ये जो सेंसर है वो दुनिया का सबसे पहला सेंसर होने वाला है जो शाओमी के रेडमी फोन में आपको देखने को मिलेगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो सेंसर है सैमसंग खुद अपने फोन में नहीं लगा रहा है, रेडमी फोन में जो है पहला फोन होने वाला है। अब अगर बात करें सैमसंग के ISO सेल GW1 सेंसर के बारे में, तो गाइस इस कैमरा सेंसर में आपको काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट वाली चीजें देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि इसमें जो है आपको 1/1.17 इंच का जो है सेंसर देखने को मिलेगा जो कि काफी ज्यादा बड़ा है। उसके साथ साथ इसमें जो है आप 38% मोर पिक्सल को ग्रैब कर सकते हैं, यानी कि अभी के टाइम पे जो है आप 48 मेगापिक्सल में का जो कैमरा यूज कर रहे हैं उससे आप 38% और भी ज्यादा जो है आपको उसमें पिक्सल देखने को मिलेंगे, जिसके कारण आपकी जो इमेज है वो काफी ज्यादा ब्राइटेंड वाइब्रेंट और उसके साथ साथ जो डिटेल होती है इमेज की काफी ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगी। ISO सेल GW1 जो सेंसर है वो लार्ज पिक्सल साइज के साथ आपको देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ उसमें जो है आपको कलर रिप्रोडक्शन काफी ज्यादा अच्छी मिलने वाली है, और उसमें जो है आपको ISO जो है स्मार्ट मिलने वाला है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के साथ जो है आपको स्मार्ट ISO का सपोर्ट मिलेगा। आप जो है अपने हिसाब से मैन्युअली अभी तक ISO सेट करते थे, लेकिन इसके आने के बाद जो है स्मार्टली वो खुद ही ISO को सेट कर लेगा। उसके साथ साथ इसमें जो है आपको हाइब्रिड 3D HDR का सपोर्ट मिलता है। अब इसका मतलब ये है कि भाई अभी तक जो हो रहा था कि भाई HDR का सपोर्ट सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा था, यानी कि आपकी इमेज की क्वालिटी जो HDR प्लस या HDR में हो रही थी वो सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रही थी, लेकिन अब जो 64 मेगापिक्सल का ये जो कैमरा आने वाला है सैमसंग का, उसमें आपको डिफॉल्ट एक जो है हार्डवेयर मिल जाएगा डेडिकेटेड सिर्फ और सिर्फ HDR के लिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का फीचर जो है सामने निकल के बाहर आया है। अब अगर इसके रेजोल्यूशन के बारे में बात करें तो वो होने वाला है 9248x6936, इतना ज़्यादा जो है आपको रेजोल्यूशन इसमें देखने को मिलेगा। और अप्रोक्स इसका जो साइज़ बताया है कि अगर इस रेजोल्यूशन में इमेज कोई क्लिक करता है तो उसका साइज़ जो है वो 19 MB तक जाएगा, यानी कि आपका एक इमेज का साइज़ 19 MB जो है हो जाएगा। तो गाइस कुछ इमेजेस भी जो है शाओमी ने इस इवेंट में दिखाई थी, तो अगर आप देखेंगे तो ये इमेजेस जो हैं वो सैमसंग के ISO सेल GW1 सेंसर से ली गई हैं। अगर आप ध्यान से अगर इसे देखते हैं तो इमेज की जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। उसके साथ साथ एक जो इमेज है वो 64 मेगापिक्सल बिल्कुल जूम आउट करके ली गई है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बिल्डिंग के पीछे जो बोट है वो भी आपको क्लियरली दिख रही है इतने दूर से। तो गाइस इस तरीके के जो है कैमरा सैंपल कुछ इमेजेस शाओमी ने निकाली है और 64 मेगापिक्सल को हाईलाइट किया है। तो अब बात
करते हैं कि भाई ये इंडिया में कब आएगा और Xiaomi कौन से फोन में जो है 64 मेगापिक्सल का कैमरा लगा के देगी। तो गाइज ये जो फोन है वो Q4 2019 में होगा, यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जो है ये आपको फोन देखने को मिल सकता है। उसके साथ साथ Redmi Note सीरीज में जो है आपको इस कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, यानी कि जो अब नेक्स्ट Redmi Note सीरीज का फोन आएगा जो कि Redmi Note 8 Pro होना चाहिए, उसमें जो है आपको देखने को मिलेगा। जो नॉर्मल सीरीज होगी उसमें नहीं मिलेगा, लेकिन जो प्रो सीरीज होने वाली है उसमें जो है इसका सेटअप देखने को मिल जाएगा। तो भाई ये इवेंट पूरी तरीके से फोकस था 64 मेगापिक्सल और सैमसंग के ISO सेल GW1 के ऊपर, लेकिन भाई सैमसंग और Xiaomi ने जाते जाते एक धमाका सा कर दिया था, वो ये कि भाई ये दोनों जो है 108 मेगापिक्सल वाले कैमरे पे काम कर रहे हैं जो कि हमें काफ़ी जल्दी देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका जो रेजोल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, क्योंकि इसमें जो रेजोल्यूशन आपको मिल रहा है वो 12,032x9,024 तक का मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा हैवी रेजोल्यूशन के साथ ये आएगा। और ये जो है वर्ल्ड का सबसे पहला फ़ोन होने वाला है जिसमें आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाएगा। और ऐसी भी रूमर्स आई हैं कि भाई Mi Mix 4 जो है वो पहला फ़ोन होगा जो 108 मेगापिक्सल के साथ आ जाएगा। तो गाइज़ ये थी कुछ ब्रीफ डिटेल 64 मेगापिक्सल और 108 मेगापिक्सल के बारे में। तो गाइज़ आप लोगों की क्या थिंकिंग है इन सेंसर्स के ऊपर, चाहे वो 64 मेगापिक्सल हो या 108 मेगापिक्सल हो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए अपने थॉट, आप ज़रूर बताइए। उसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ गाइज़ एक लाइक ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है और मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपका एक लाइक, आई होप आप समझ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।